इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के नवादा जिले से आ रही है, जहां लॉकडाउन के बीच बेखौफ अपराधियों ने तांडव मचाते हुए एक युवक से लूटपाट किया। वहीं युवक द्वारा लूटपाट के विरोध करने पर अपराधियों ने गोली मारकर युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया है और फरार हो गया। वहीं स्थानीय लोगों ने आनन फानन में युवक को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है। सूत्रों के मुताबिक घटना का शिकार युवक विकास कुमार अपने घर सोनरपट्टी रोड के शरीफ कॉलोनी जा रहा था कि नवादा रेलवे क्रॉसिंग मिर्जापुर के नजदीक कुछ अपराधियों ने घेरकर घटना को अंजाम दिया है। लूटपाट के विरोध करने पर युवक विकास को गोली मारकर अपराधी फरार हो गया। सूचना पर आई पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। क्या हुआ? मिर्जापुर से मेरा दो जगह मकान है, पुराना गली सड़क में मिर्जापुर से जा रहे थे, पॉकेट में 100-150 रुपया था, क्योंकि चेन लिया वो अचानक बोले माफ या नहीं दे रहे थे पैसा और निकाल के मार दिया। किसी को पहचानते हो? नहीं, शकल से हम चिन्ह जाएंगे मगर आदमी नहीं पहचानते।